एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक आएगा और जिनके ग्रुप डी में अच्छे मार्क्स हैं या जिनके कम मार्क्स हैं उनको क्या करना चाहिए। हर एक चीज़ पर बात होगी और ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन होने के बाद क्या आगे भी पढ़ाई जारी रखनी पड़ती है, क्या आगे भी मुझे पढ़ना पड़ेगा या यहीं पर मेरा करियर एंड हो जाएगा, है ना। इन सब टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिल सिंह राजपूत। आई बिलोंग टू सागर मध्य प्रदेश। आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 8 and 9 ईयर्स। आई टीच मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनिंग। बट YouTube पर मैं अभी पढ़ाता नहीं हूँ, बस जस्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक आएगा। तो जैसे ऑफिशियल ऑर्डर भी आया था कि दिसंबर के लास्ट तक, या फिर रेल मंत्री ने भी कह दिया है कि करीब 1.5 लाख भर्तियां हम रेलवे में जल्द से जल्द करेंगे, तो इसका मतलब कि दिसंबर लास्ट तक, या मैं तो यूँ कहूँगा कि नवंबर के लास्ट तक और दिसंबर के फर्स्ट वीक में रेलवे का रिजल्ट आ जाएगा और बाकी की प्रोसेस, फिजिकल मेडिकल की प्रोसेस भी चालू हो जाएगी और फरवरी मार्च में पूरी प्रक्रिया भी हो जानी चाहिए, है ना। तो आप कमर कस लीजिए, अभी से बिल्कुल मतलब ढीले मत पड़िए, फिजिकल की भी तैयारी करिए और मेडिकल के लिए भी मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। मेडिकल के ऊपर मैं वीडियो ला दूंगा कि मेडिकल कैसा होता है। मैंने अभी 2-4 महीने पहले मेडिकल दिया था। अब सबसे पहले बात आती है कि सर मेरा 55 नंबर है, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा। 50 नंबर है, 60 नंबर है, 65 है, 70 है। तो मैं एक चीज़ बता दूं यार, कि जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए हैं ना, मतलब मैं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपसे बात कर रहा हूँ, तब से लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने लगे हैं। आप रैंक आई क्यू पे या फिर किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। अब देखिए, मेरा जैसे 2018 का ग्रुप डी का एग्ज़ाम था और मेरा 3 साल बाद वेटिंग क्लियर हुआ, तो कहीं ना कहीं अगर आपके भाग्य में नौकरी होगी ना तो आपको मिल जाती है। आपके नंबर कम ज़्यादा हो वो बाद की बात है, क्योंकि हो सकता है कि कितने सारे पैनल आएंगे, है ना, क्या क्या हो सकता है उसके बारे में तो हम लोग जानते नहीं हैं, कितनी वेटिंग उठेगी, कितना लिस्ट नीचे जाएगी। तो अभी से आप प्रिपेयर करिए और अगर आपका ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन होना है, आपने 70-75 नंबर लिए हैं, तो तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए। आपको आगे ग्रुप डी से आगे बढ़ने के लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकालने होंगे, है ना। और जैसे 1,03,000 वैकेंसी में से करीब 40,000 से 41,000 वैकेंसी ट्रैक मेंटेनर की है, तो अगर आपको नहीं भी चाहिए तब भी वो आपको पोस्ट मिलेगी, है ना। भले आपने पोस्ट प्रेफरेंस ना डाला हो, हो सकता कि पॉइंट्स मैन के हिसाब से आपका मेडिकल ना हो तो आपको लेना पड़े। मेरा आपसे ये कहना है कि जो भी पोस्ट आपको मिले आप उसको सबसे पहले लीजिए, है ना। SNT में मिल जाए हेल्पर की तो वो तो प्रमोट होकर टेक्नीशियन बन जाता है, कोई भी मिले उसको आप लीजिए, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल तैयारी कर सकते हैं। और अभी एक मतलब एक हाई पावर कमेटी का भी गठन किया गया है जिसमें ट्रैक मेंटेनर भाइयों को एक बेहतर राहत मिलने वाली है, कि पहले GDC में वो 10% सीटों के काबिल होते थे, अब उनको 40% तक कवर किया जाएगा। मतलब आप 40% तक आप लोग बैठ सकते हैं, मतलब 40% सीट ट्रैक मेंटेनर भाइयों के लिए होगी और वो प्रमोट होकर बड़ी पोस्ट पर जा सकते हैं, जैसे गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, है ना, TC हो गया, या सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, या DRM ऑफिस वगैरह में जो भी पोस्ट निकलेंगी आप उनका फॉर्म भर के आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको तैयारी बिल्कुल नहीं रोकनी है, आगे डिपार्टमेंटल बढ़ना है और बिल्कुल बढ़ना है, है ना। ये तो आपको सीढ़ी मिली है, एक कदम आप आगे बढ़े हैं, आपको लास्ट तक जाना है। और शाम के 6 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ड्यूटी करने के बाद मुझे खाने पीने का भी देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ती हैं, तो मैं इररेगुलर हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से कनेक्ट होना चाहता हूँ, जुड़ना चाहता हूँ। तो एक टाइम इंटरवल के साथ भले ही मैं आपको वीडियो दूँ, लेकिन मेरी सलाह यही है कि आपको रुकना नहीं है, तैयारी करना है। और जैसे अभी मैं MP का हूँ तो MP पुलिस का भी रिजल्ट आया, तो MP पुलिस में जिन भाइयों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वही स्टूडेंट ग्रुप डी में सेलेक्ट होंगे तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप केवल एक ही पोस्ट को चूज़ करिए। MP पुलिस अगर आप ले लें तो इसमें मत आइए, और MP पुलिस में ना लें तो आप इसमें आ जाइए। दो पोस्ट खराब करके आप बच्चों का भविष्य, मतलब खुद के साथ साथ एक और कैंडिडेट का भविष्य खराब करते हैं, है ना। तो आपको तैयारी में डटे रहना है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया हूँ। और धीरे धीरे मैं और टाइम निकाल के जो भी मेरा कंटेंट है मैथ्स का, रीजनिंग का, वो मैं आपको दूंगा। लेकिन आज मैंने कम्युनिटी टैब में एक टैब डाला था, तो बहुत सारे लोग मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मुझसे जो अच्छा लगता है मैं आपको वो दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पर नए व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और जेन्युइन कंटेंट को पाने के लिए आप मेरे अनिल सिंह राजपूत ऑफिशियल चैनल से जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ बेल बटन का नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।